रहमान रहीम, आज यहाँ हम माइनॉरिटी कमीशन को आए थे जो सरूनगर में इमरान का मर्डर हुआ है और अब तक बच्चे की लाश या उसके बाकियात भी हवाले नहीं किए गए हैं। उनकी वालिदा, इमरान की वालिदा और फिर उनकी नानी और फिर उस इलाके के हमारे गैर मुस्लिम बहनें साथ थी। उसके साथ अमजदुल्ला खान साहब तशरीफ़ लाए थे और अबरार साहब, अब्दुल हक खमर साहब और तहरीक मुस्लिम शब्बान और MBT के हमारे दूसरे साथी भी यहाँ पर इस डेलीगेशन में मौजूद हैं। दरअसल मसला ये है कि हमने माइनॉरिटी कमीशन में एक दरख्वास्त हमारे इमरान की वालदा की तरफ से इस वक्त दी गई है कि बच्चे से आखिरी मरतबा 5 तारीख को बात हुई थी, उसके बाद 6 तारीख को इंतज़ार किया गया, 7 तारीख को पुलिस को कंप्लेन किया गया, बच्चा हमारा 2 रोज से नहीं आया है। तो पुलिस मिसिंग कंप्लेन ली, 8 तारीख को ही खातिलीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सीक्वेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कौन किसको फेवर कर रहा है और मज़लूमीन के साथ किस तरह जुल्म किया जा रहा है, ये सीक्वेंस से बात आ जाएगी। 8 तारीख को गिरफ्तार किया गया और फैमिली को कोई इत्तला नहीं दी गई कि भाई बच्चे का कत्ल कर दिया गया, उसमें से 5 कातिलीन को हमने गिरफ्तार कर लिया, कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया। मुस्तकल फैमिली नाके को फिर रही है, कोई इत्तला नहीं दी गई और फिर उसके बाद उनको रिमांड कर दिया गया। 12 या 13 को रिमांड कर दिया गया, 14 को उनको रिमांड किया गया। 14 को फैमिली को इत्तला की जाती है कि आपके बच्चे का मर्डर हो गया, उसको जला दिया गया, 14 को इत्तला की जाती है और मुलजमीन को रिमांड कर दिया जाता है। बॉडी के रिकवरी का या बॉडी के बाकियात का कोई समझिए कि नोटिस नहीं लिया जाता। और आज तक, जबकि आज 17 तारीख है, 17 तारीख तक भी बॉडी के बाकियात यानी जो इंसान की ज़िंदगी के हड्डियां होती हैं, अगर जला भी दिया गया तो उसके हड्डियां होती है, उसकी राख होती है, वो भी आज तक फैमिली के हवाले नहीं किया गया। ना समझिए कि तजीज़ व तकफीन का काम हुआ, ना नमाज जनाजा का काम हुआ। ये इंतहाई नादिर व नायाब जुल्म तेलंगाना पुलिस का और हैदराबाद में समझिए रच्चागुंडा पुलिस का सामने आया है। तो ये समझिए कि हम माइनॉरिटी कमीशन का दरवाज़ा खटखटाए हैं और ये इंतहाई शर्मनाक बात है, रियासत के लिए शर्मनाक बात है। इसमें कोई हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है, ये मसला इंसानियत का मसला है कि 5 तारीख या 6 तारीख को उसका मर्डर हो जाता है, पुलिस मुलजमीन को गिरफ्तार करने का दावा करती है और ख़ानदान को इत्तला नहीं देती है और आज तक के तजीज़ व तकफीन भी नहीं हुई। इससे बड़ा भोंडा मजाक तेलंगाना पुलिस का, तेलंगाना के होम मिनिस्टर या फिर KTR या KCR का नहीं हो सकता एक गरीब फैमिली का, क्योंकि फैमिली गरीब है, फैमिली पैरवी नहीं कर सकती, फैमिली का कोई पूछने वाला नहीं है। लिहाजा मनमाने कानून के तहत समझिए कि साहब जो चाहे वो करे। 2 दिन से रिमांड रिपोर्ट मैं सर्कल इंस्पेक्टर से पूछ रहा हूँ, अब आते वक्त भी बात किया तो कल FIR भी जाया गया मिसिंग का, अब आज भी एक रिपोर्ट भिजाई गई, वो भी आधी आधी समझिए रिपोर्ट भिजाई गई है। तो इस तरह से ये एटीट्यूड पुलिस का है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है, किसी भी समझिए कि रियासत के शहरी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बहरहाल हम समझिए कि जब तक मुलजमीन को कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे खामोश नहीं बैठेंगे। अमजदुल्ला खान साहब, आपको बताएं, बोलिए ना, बच्चे का कैरेक्टर पुलिस वाले डाल रहे हैं। एक समझिए रिवायत चली है, जिस तरह नॉर्थ इंडिया में मॉब लिंचिंग की रिवायत, उसके बाद बच्चे को चोर बताया जाता है, पीवट बताया जाता है, बच्चियों को छेड़ने वाला बताया जाता है, उसी तरह इमरान के कैरेक्टर को कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। जबकि मोहल्ले की हमारी यहाँ समझिए कि गैर मुस्लिम खवातीन ने स्टेटमेंट दिया है कि इमरान एक अच्छे कैरेक्टर का बच्चा था और वो कारोबार अपना नौकरी कर लेता, कारोबार कर लेता, कोई बैड कैरेक्टर उसका नहीं था, तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। चलिए बोलिए, बाप बोल दिया ना, बस बोल दिया तो बोल दिया। देखिए आज जो है एक डेलीगेशन जिसमें हमारे मुश्ताक मलिक साहब सदर मुस्लिम शब्बान, तहरीक मुस्लिम शब्बान और MBT की तरफ से अमजदुल्ला खान, BSP की तरफ से हमारे
अबरार हुसैन आज़ाद साहब, ये तकरीबन भगत सिंह नगर जो सरू नगर की बस्ती की कई ख़वातीन, मुद्दा यह है कि 5 तारीख के दिन मोहम्मद इमरान 21 साल एक लड़का जो है उसकी कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो गाड़ी बनाने के सिलसिले में जो एक्सीडेंट करे उनसे मिलने के लिए जाता है और लापता हो जाता है। तो 6 तारीख के दिन सुबह तक भी वो किसी से रब्त में रहता अपने दोस्तों से, 6 तारीख के दिन सुबह में जब वो 7 को नहीं आता है तो बच्चे की इमरान की वालिदा मुमताज़ बेगम, उनके मामू और उनके भाई जाकर सरू नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करते हैं। तो 7 तारीख के दिन एक मिसिंग FIR होता है। 8 के दिन से पुलिस तहकीकात शुरू करती है, क्योंकि ये पुलिस का ये कहना है कि बच्चे का कुछ ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इसलिए हम लोग जो है SOTC ऑफिस और पुलिस स्टेशन ढूंढे हम, लेकिन बच्चे का नहीं मिला। लेकिन हमको ये पता चला कि 5 तारीख के दिन रात में ही, क्योंकि DCP LB नगर का जो ट्वीट आया कि 5 तारीख के दिन रात में ही एक लक्ष्मण सिंह नामी एक सोनू लक्ष्मण सिंह उर्फ सोनू, ये बच्चे को रात में मर्डर करके काट के उसके जिस्म के एंड 5 अदर्स 6 टुकड़े करके उसको जला दिए बोल के, ये पुलिस का वर्जन है। तो ये घर वालों को नहीं पता चलता है, 14 तारीख तक भी इनको पता नहीं चलता। 14 के दिन आंध्रा ज्योति में एक न्यूज़ आती है कि एक ऑटो ड्राइवर और कुछ लोग जाके कहीं चोरी करते हैं और आपस में झगड़ लेते हैं, इनके बच्चे की फ़ोटो है उसके अंदर। तो पहले तो ये बच्चे की फ़ोटो आंध्रा ज्योति में कैसा गई, पुलिस वाले न्यूज़ लीक करना तो गई, ये घर वाले जाके जब मालूम करते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सरू नगर से ACP से मिलते हैं, इनको आज की तारीख तक भी ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे का मर्डर हो गया, जला दिए, हम खातिलों को पकड़ के लेके जाके जेल में छोड़ दिए बोल के। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर कहीं छोटी मोटी चेन स्नैचिंग होती, अगर चोरों को पकड़ते, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस, या चाहे वो हैदराबाद के रहो, चाहे राचाकुंडा के रहो, चाहे साइबराबाद के रहो, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पीठ को थपथपाते और चोरों को सामने पेश करते। इतना बड़ा वाकया पेश आया बस्ती में, एक 21 साल बच्चे को ले जाकर उसको मार के काट के जला दिए, और पुलिस वाले खातिलों को आज की तारीख तक भी ना मीडिया में पेश कर रही, ना प्रेस नोट इशू कर रही, ना FIR की कॉपी दे रही, ना रिमांड रिपोर्ट दे रही। कुछ ही देर पहले भी मुश्ताक भाई जो है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से बात कर रहे थे, तो पुराना FIR जो अभी अल्टरनेट नहीं हुआ उसको भेज रहे। यानी पुलिस ना सिर्फ उन फैमिली मेंबर्स को बेवकूफ बना रही, बल्कि पूरे तेलंगाना के जितने भी लोग जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सबको बेवकूफ बना रही है। और यह मसला कोई हम इसको हिंदू मुस्लिम नहीं, क्योंकि आप देख सकते कि कई हिंदू खवातीन ये बच्चे के ताइद में यहाँ पर हमारे साथ में ठहरे, संतोष सरू नगर पुलिस स्टेशन में भी थे, आज हमारे साथ भी है। तो हमारा मुतालबा आज माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं तारिक अंसारी साहब से तफसील गुफ्तगु हुई, हम ये चाह रहे हैं कि कमीशन अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस राचाकुंडा या DCP LB नगर को यहाँ तलब करे, पूरी फाइल के साथ आओ बोलिए, हमको भी बुलाइए, उनके सामने हमारी बातचीत होंगी। और जो भी है, बच्चे का अगर मर्डर हुआ है, उन्हें बॉडी जला दिया है, तो उसके हड्डियाँ रहते, हड्डियाँ नहीं जलते, ये पूरी पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाज़ाब्ता कमिश्नर ऑफ पुलिस राचाकुंडा या DCP LB नगर ये पूरा आवाम के सामने बात को लाना चाहिए। मैं वहाँ की उस महे यानी बस्ती के खवातीन हमारी बहन से मैं गुजारिश करूंगा कि आप बोल तेलुगु अच्छे बोल जोर से खरीब करो इसको। हाँ किन्नी का पिटो। हाँ बोलो जोर से पैना जी बोल। इमरान अने व्यक्ति గురించి ఇమ్రాన్ అనే అబ్బాయి చాలా చిన్న వయసు ఉన్న అబ్బాయి, మాకు చాలా చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిన అబ్బాయి. తనకి ఎప్పుడు కూడా నేరాలు ఘోరాలు చేసినటువంటివి మాత్రం మాకు తెలియదు. మా వరకైతే తను సన్నిహితంగా ఉండేవాడు, అందరితో మంచిగా ఉండేవాడు, అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండేవాడు. పండగలు వచ్చినా కూడా హిందూ ముస్లిం అని తేడా లేకుండా మాతో కలిసిపోయి పండగలలో సెలబ్రేషన్లలో పాల్గొనేవాడు. కానీ అబ్బాయి దగ్గర మంచి వ్యక్తి అనేది ఒకటి మా దగ్గర మాకు తెలిసినంత వరకు మంచి వ్యక్తి అని మాత్రమే మాకు తెలుసు. కానీ అబ్బాయి చెడ్డవాడు అన్నది మాత్రం ఇప్పటివరకు మాకు తెలియదు. ఒకవేళ తెలిసినట్లయితే మాకు ముందు ఎందుకు ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్లు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు, ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు ఎందుకు స్పెషల్గా ఇప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నారు ఇట్లా అబ్బాయి గురించి?
కానీ అబ్బాయి మాత్రం నాకు తెలిసినంత వరకు చాలా మంచి మనిషి దాని కోసమే మేము అందరం కూడా ఇక్కడ అబ్బాయికి న్యాయం జరగాలని అబ్బాయి కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలన్న ఉద్దేశంతోని మేము రావడం జరిగింది థాంక్యూ इमरान के कत्ल के सिलसिले से आज एक वफ्द माइनॉरिटी कमीशन तेलंगाना में हाजिर हुआ है जिसकी क़यादत जनाब मुश्ताक मलिक साहब कर रहे हैं और हमारे अमजदुल्लाह खान खालिद साहब की हरकियाती हरकत की वजह से आज ये मामला जो है ना आज तमाम माहौल में बिलखसूस तेलंगाना में ये जो है ना रोनुमा हुआ है। अगरचे जैसा अमजदुल्लाह खालिद साहब अगर इसकी पेशकदमी नहीं करते तो आज किसी को इस बात की पता नहीं चलता था कि इमरान जैसे एक कत्ल का कत्ल भी हुआ है, क्योंकि पुलिस की जानिब से फैमिली को बिलखसूस उनके वालदा और उनके भाई को किसी किस्म की कोई इतला नहीं दी गई, जबकि 5 तारीख के दिन से वो लापता है, 6 और 7 तारीख के दिन वो पुलिस से रुजू हुए, 14 तारीख तक जब तक के इस पर आप रास तौर पर अमजदुल्लाह खालिद साहब उस मुकाम तक नहीं पहुँचते, पुलिस फैमिली को यह तक नहीं बताई कि वो उनका इंतकाल हुआ है। अब ये पूरे माहौल को इस बात से बड़ी जो है ना देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो बिलखसूस हमारी जो भाग्यलक्ष्मी जो बहन है वो आप जो है ना यहाँ पे आए हैं और आकर ये माइनॉरिटी कमीशन से रुजू होकर के ये उम्मीद कर रहे हैं कि उस इमरान के मक्तूल खातिल को जो सज़ा मिलनी चाहिए, तो ये यहाँ पे सरासर ये बात का एहसास हो रहा है कि ये तेलंगाना में जो गंगा की जमुना तहजीब है और मुजरिम के खिलाफ खड़े रहने का एक बड़ा मजबूत कदम है, क्योंकि वो लोग ये नहीं देख रहे कि सामने कौन है। और एक चीज़ क्या, ये जो मुजरिम है अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल इस तरह का सिलसिला चलते रहेगा। तेलंगाना में आए दिन मर्डर्स का जो है ना माहौल बना हुआ है और ड्रग्स का जो है ना बहुत ही जो है ना आम तौर पे ड्रग्स जो है ना अवेलेबल हो रहा है। आज लोग ये जो कत्ल करने की जो कैफियत तक पहुंच रहे हैं या उनका जो साइकोलॉजिकल स्टेट जो कंडीशन आ रही है कि एक इंसान को टुकड़े टुकड़े कर देकर जलाने की जो एक कैफियत आ रही है, उसकी बुनियादी वजह है कि ड्रग्स आम तौर पे मामूली जो है स्लम बस्तियों में जो बिल्कुल गरीब गुरबा है उनको एडिक्ट बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो लोग इस तरह के जुर्म करने में जो है ना शामिल हो रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि इस रियासत को ड्रग्स से पाक किया जाए और यह मर्डर कल्चर जो बना हुआ है इस वक्त में, यानी कि हुकूमत की जानिब से बिलखसूस लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, फेलियर ऑफ होम मिनिस्टर है, क्योंकि मैं ये राज जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि इस रियासत का जो लॉ एंड ऑर्डर है बिलखसूस शहर हैदराबाद का जो लॉ एंड ऑर्डर है और इस रियासत में जहाँ होम मिनिस्टर खुद रहते हैं और शहर हैदराबाद में रहते हैं, ये मर्डर का जो सिलसिला हो रहा है कि लोगों में एक आम बात हो गई है कि मर्डर का ये 3 महीने में हम जाकर हम बलि जो है ना रिलीज हो जाएंगे, इसमें जो है ना कानूनी तौर पे बदलाव लाने की ज़रूरत है और पुलिस को जो है ना सख्ती करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम मामले से यही बात की आरएस परवीन साहब क्या बात कर रहे हैं, इस सिलसिले से कल आपके मैं जब उनके मुकाम पे पहुंचा तो मुझे हुक्म दिया गया था कि आप जाकर ये तफसीलात मालूम करें। प्रवीण कुमार साहब ने रास्ता आपसे जो है ना दरियाफ्त किया हालात को और मेरे से मुतल्लिक पुलिस स्टेशन के CI का भी नंबर लिए हैं, उनसे भी बात की है और आपको तयखुन दिलाए कि वो अभी कागज़ नगर के दौरे पे है, 19 तारीख के दिन वो हैदराबाद आएंगे, आने के बाद वो रास तौर पे आपसे से मुलाकात भी करेंगे और इंशाल्लाह इस पर आगे की कार्रवाई भी करेंगे। तो ये तमाम मौके पे ठीक चल शुक्रिया खुदा हाफिज़।